एक और पूरे देश में 10 से करीब 11 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वहीं सहारनपुर में भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले जिले में कई बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों ने पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली रोड पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बैंकों के निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला संयोजक ने बताया कि 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान मुख्य कारण बैंक और LIC डिपार्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर में करने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा LIC और दो बड़े बैंकों का निजीकरण करने के बाद 1.75 लाख करोड़ कुल संसाधनों से प्राप्त होने की बात कही जा रही है। जबकि दूसरी ओर पूरे देश में इन बैंकों के 2018-19 में करीब 2.5 लाख करोड़ NPA में पड़े हुए हैं, तो सरकार क्यों नहीं इस NPA के रुपए की वसूली कर लाभ में जाना चाहती है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि बैंकों के निजीकरण में करते हुए सरकार को कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं UOB का संयोजक हूँ जनपद सहारनपुर का। हमारी 2 दिनों की हड़ताल है निजीकरण के विरोध में। सरकार ने बजट में दो बैंकों का, LIC का और अन्य संस्थानों का निजीकरण का बीड़ा उठाया है। हम सभी बैंक कर्मी आज इसका विरोध करते हैं। पूरे भारतवर्ष में 10 लाख कर्मचारी आज सड़कों पर हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं। सरकार बैंकों का, LIC का, ONGC का, सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। ये बैंक कर्मी इस चीज़ का पूर्ण विरोध कर रहे हैं। ये सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में हम और अधिक लड़ाई को तेज करेंगे। आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? हमारी यदि मांग नहीं पूरी होगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी आगे जा सकते हैं, और इसके लिए जो भी ऊपर से आदेश आएंगे हम उसका पूरा करेंगे। आपकी